हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बफ डॉज क्वाइन की। जी बिल्कुल, हम देखने की करेंगे। बहुत दिन हो चुके हैं कि हमने बफ डॉज क्वाइन के ऊपर बात नहीं की, तो हम देखने की कोशिश करेंगे भाई बफ डॉज क्वाइन की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या अपडेट्स है, क्या क्या कंटेंट वगैरह हमें देखने को मिल रहा है, तो वो सारी की सारी बातें होंगी इसी वीडियो में। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करें, टॉपिक की तरफ मूव करें, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अभी जाके वो जो लाल वाला बटन है, आई डोंट नो व्हाट यू विल डू विद दैट बटन, आप उस बटन के साथ क्या करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल के आइकन को भी दबा लें, ताकि बफ डॉज क्वाइन हो या कोई भी कॉइन्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, कोई भी न्यूज़ हो या इस तरह का कोई भी कंटेंट कुछ भी निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस चीज़ को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है और आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो भाई बात करें बफ डॉज क्वाइन की, तो भाई बफ डॉज क्वाइन की जो रैंकिंग चल रही है, 3934 नंबर की रैंकिंग चल रही है, 28,926 इसकी हमें देखने को मिल रही है। वर्ल्ड लिस्ट प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट जीरो के बाद पॉइंट है, उसके बाद 6-6 के साथ तकरीबन 7-8 जीरो, उसके बाद 4-5 इसकी करंट प्राइस चल रही है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इसकी प्राइस प्रिडिक्शन को भी देखने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे आपको होल्ड भी करना है, सेल करना है। तो ये तकरीबन 24 घंटों में 0.11% ये डाउन गया है। बीटीसी के हिसाब से 7.273% ये डाउन गया है। इथेरियम के हिसाब से 3.95% ये डाउन गया है। तो अगर इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो वो भी 31.68% 24 घंटों में इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी एक डाउन ट्रेंड की तरफ गया। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो भाई प्रोजेक्ट में हमें इतना खासा मजा नहीं देखने को मिला, ये इतना खासा हमें बुल रन की तरफ नहीं देखने को मिला। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को लेकर लॉस में, तो यहाँ पे आपके लिए एक ही चॉइस बचती है। अगर आप लॉस में, पहली चीज़ तो ये है कि भाई आप अपना वो लॉस उठा लें। तो नए यूजर्स को मैं आपको मना करूँगा कि आप कहते हैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप बेनिफिट में, तो मैं आपको यही करूँगा कि अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाइए, क्योंकि ये मीम्स कॉइन है। मीम कॉइन पर हम कह सकते हैं कि हमें बिलीव नहीं होता कि कब क्या कर जाए। तो मजीद अगर हम बात करते चले फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो भाई आज भी तकरीबन 22 स्कोर के साथ जो मार्केट है वो एक्सट्रीम फेयर में, कल भी तकरीबन 20 स्कोर के साथ मार्केट एक्सट्रीम फेयर में थी, लास्ट वीक 25 स्कोर के साथ मार्केट एक्सट्रीम फेयर में थी, और लास्ट मंथ तकरीबन 31 स्कोर के साथ जो मार्केट थी वो एक एक्सट्रीम फेयर की भयानक कंडीशन में थी। तो भाई हमने अब देखा कि भाई मार्केट भी हमें एक अच्छी तरह मजे सी पोजिशन में नहीं देखने को मिल रही। तो ये कुछ करंट कंडीशन से करंट हालात है बफ डॉज कॉइन के। आप देख सकते हैं कि इन हालात के साथ जो बफ डॉज कॉइन है वो हमें काफ़ी डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सारी मार्केट है वो भी डाउन ट्रेंड की तरफ है। अगर मजीद अगर हम बात करते चले बफ डॉज कॉइन की अपडेट्स की, तो भाई प्राइस प्रेडिक्शन की, तो भाई बट बफ डॉज कॉइन मीम कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो प्राइस प्रेडिक्शन का जो चार्ट मुझे देखने को मिला, तो यहाँ पर इनका कहना है कि भाई मिनिमम जो प्राइस है मैक्सिमम है वो जा सकती है तकरीबन सेम, तकरीबन 3-3 के साथ 6-8 जीरोस के साथ इसकी प्राइस जा सकती है 106 तक 2022 के एंड में। अगर 2023 की बात की जाए तो तकरीबन उसमें भी हमने देखा कि हमें एक जीरो किल करता हुआ दिखाई दे रहा है तकरीबन 124 के साथ प्राइस के साथ। अगर 2024 की बात करें तो उसमें भी हमने देखा कि भाई हमें तकरीबन उसी 7 जीरोस के साथ इसकी प्राइस देखने को मिल रही है 134 तक। और अगर हमने देखा कि भाई आने वाले 25 तक अगर उसकी प्राइस में देखें तो वही हमें 7 जीरोस देखने को मिले। तो एब्सोल्युटली आप कह सकते हैं कि भाई हमारा जो कॉइन है वो इतने ज़्यादा जीरोस किल नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो वो 7 जीरोस के साथ उसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट वो सेम ही रह रही है मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमें इतने खासे जो चांसेस है वो नहीं देखने को मिल रहे बफ डॉज कॉइन की ग्रोथ के। लेकिन मीम कॉइन है तो मीम कॉइन पे हम देख सकते हैं कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कब बुल रन पकड़े या कभी एक डाउन ट्रेंड की तरफ गए। अगर इसके ट्विटर हैंडल पे भी देखते चलें तो 83.6 के इसके जो करंट फॉलोवर्स हैं, ये गिव अवेज वगैरह भी करते जा रहे हैं, खुद के कॉइन को काफ़ी सारा प्रमोट भी कर रहे हैं, पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि भाई ये इतना एक्टिव हमें नहीं देखने को मिल रहा, तो इसकी डबल बर्निंग भी इसके लिए एक काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी मोटी सी वीडियो बफ डॉज कॉइन के ऊपर आपको पसंद आई और आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।